स्टूडेंट्स, मैं हूं बीपी सिंह और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12 यूपी बोर्ड का इंग्लिश का सिलेबस सत्र 21-22 के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम 22 में होगा उसका क्या सिलेबस होगा। जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड ने इस बार अपना सिलेबस इंग्लिश का फिर से बदल दिया है। फिर से बदलने का मतलब ये है, यहाँ पिछले लास्ट ईयर 11th का सिलेबस पूरा एनसीईआरटी हुआ था, इस बार 12th का होगा। मीन्स जो बच्चे 11th में एनसीईआरटी पढ़ के आए, वही बच्चे 12th में इस ईयर जाएंगे तो उनको भी पूरा एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जबकि लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर का मतलब यहाँ ये है कि जो बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम देंगे, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हो पा रहा है ड्यू टू कोरोना, वो बच्चे एग्ज़ाम जब भी होगा वो देंगे। लेकिन जो 11th या 12th में जा रहे हैं बच्चे, उनका जो 22 में एग्ज़ाम होना है, वो टोटल आपका सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है। मीन्स एनसीईआरटी बेस्ड का यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी का आपका सिलेबस होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लेसन हैं, क्या क्या सिलेबस है, क्या चीज़ों को पढ़ना है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, सिलेबस कक्षा 12 इंग्लिश का। तो देखिए, कक्षा 12 यूपी बोर्ड कक्षा 12 सेशन 21-22 के लिए इंग्लिश सिलेबस, देखिए सिलेबस में आपका जो पेपर होगा बोर्ड एग्ज़ाम, वो 100 मार्क्स का होगा, जो दो भागों में डिवाइड होगा। पार्ट वन आपका लिटरेचर होगा, पार्ट टू आपका ग्रामर होगा। लिटरेचर में फ्लेमिंगो बुक का नाम है, जो पहली बुक है फ्लेमिंगो, उसमें आपको प्रोज पोएट्री पढ़नी पड़ेगी। टोटल 8 लेसन आपका प्रोज है और 6 लेसन आपकी पोएट्री है। तो प्रोज में देखिए कौन कौन से लेसन हैं। पहला है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन ये है अल्फांस डुडेट का। अल्फांस डुडेट एक नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनका आपका पहला लेसन द लास्ट लेसन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद लॉस्ट स्प्रिंग, पहला द लास्ट लेसन, दूसरा लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग एनिस जंग का। एनिस जंग जो कि एक भारतीय लेखिका थी, जर्नलिस्ट थी, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा एनिस जंग को, लॉस्ट स्प्रिंग। इसके बाद है डीप वाटर, तीसरा जो लेसन है आपका डीप वाटर, विलियम डगलस का। विलियम डगलस का ये एक उपन्यास है, वहीं से लिया गया है। विलियम डगलस जो कि अमेरिका के थे, अमेरिका के एक जस्ट थे, तो ये आपको डीप वाटर विलियम डगलस का पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद है चौथा लेसन द रैट ट्रैप, सेल्मा इनका नाम है, लागरलोफ, सेल्मा लागरलोफ, द रैट ट्रैप ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये स्वीडन की थी, स्वेडिश राइटर थी सेल्मा लागरलोफ, ये आपको द रैट ट्रैप आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है इंडिगो, लुइस फिशर का। ये जो इंडिगो है, ये लुइस फिशर ने महात्मा गांधी से कुछ बातचीत की थी, तो ये इंटरव्यू है महात्मा गांधी और लुइस फिशर के बीच। ये आपका इंडिगो जो लेसन है आपको, ये महात्मा गांधी और लुइस फिशर का आपको एक इंटरव्यू है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा जो अगला लेसन है पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये अशोक मित्रन का है। अशोक मित्रन जो कि एक भारतीय इंडियन राइटर थे, इनका नाम जगदीश त्यागराजन था, जो पेन नेम अशोक मित्रन के नाम से लिखते थे, एक उपन्यासकार थे, इन्होंने पोएट्स एंड पैनकेक्स नाम से ये लिखा हुआ, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो सातवां लेसन है द इंटरव्यू, ये आपका द इंटरव्यू है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। द इंटरव्यू में देखिए दो चीज़ें हैं, एक क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का है और एक है एन इंटरव्यू बाय ओमर्टो इगो, ये इको का पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे आपके सिलेबस में। द इंटरव्यू, इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं इंटरव्यू के लिए, कैसे इंटरव्यू होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद लास्ट लेसन है गोइंग प्लेसेस, ए आर बाटरन का है। ये भी एक हेनरी बॉटन, ए आर बॉटन, एंटोनी रिचर्ड बॉटन, ये गोइंग प्लेसेस आप पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के प्रोज में आपको 8 लेसन पढ़ने हैं। आगे देखते हैं पोइट्री में आते हैं, तो पोइट्री में आपको टोटल देखिए 6 पोएम पढ़नी है। पहली पोएम है माय मदर एट 66, कमला दास। कमला दास एक भारतीय लेखिका हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा।
इसके अलावा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये है स्टीफन स्पेंडर का, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुदा का, आपको पाब्लो नेरुदा जिनको 1971 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको पाब्लो नेरुदा का आपको पढ़ना पड़ेगा। पाब्लो नेरुदा एक चिली के लेखक थे, चिली के थे, तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स की, जॉन कीट्स जो कि रोमांटिक पोएट माने जाते हैं, इनको आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी में आपको ये पोएम आपकी जॉन केट्स की पढ़नी पड़ेगी। अ रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, ये अ रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनको भी आपको आगे इस में इनकी पोएम पढ़नी पड़ेगी। ये एक अमेरिकन पोएट थे, रोड साइड स्टैंड इनकी पोएम है जो आपको आगे पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आंट जेनफियस टाइगर एड्रिन रिच की पढ़नी पड़ेगी, ये भी अमेरिकन पोएट्रेस थी, कवित्री थी, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा आंट जेनफियस टाइगर्स में। इसके अलावा ये टोटल आपकी 6 पोएम है, माय मदर एट 66 कमला दास का, एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम स्टीफन स्पेंडर का, कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरुदा का, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स का, इसके अलावा अ रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, आंट जेनफियस टाइगर्स एड्रिन रिच का, ये आपको 6 पोएम आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर विस्टाज में जाते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में, तो यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, पहला लेसन है द थर्ड लेबर जैक फेनी का। जैक फेनी का जो पहला लेसन है, ये जैक फेनी जो थी अमेरिकन ऑथर थी, इनको आपको जैक फेनी को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा द टाइगर किंग, द टाइगर किंग कल्कि जो नाम लग रहा है, ये पेन नेम है कल्कि, इनका पूरा नाम था रामा स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, इनको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये जो कल्कि नाम से पेन नेम कल्कि से लिखते थे रामा स्वामी अय्यर, ये इंडियन तमिल लेखक थे, तो इनको आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तिसानी दोषी, तिसानी दोषी भी भारतीय लेखिका हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे इसके अलावा है सुड विजार्ड हिट मम्मी जॉन अपडाइक, जॉन अपडाइक को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी जॉन अपडाइक की अगर बात करें तो ये भी अमेरिकन, जॉन अपडाइक एक अमेरिकन लेखक थे, राइटर थे। इसके अलावा ऑन द फेस ऑफ इट सुसैन हिल, सुसान हिल है, ऑन द फेस ऑफ इट सुसान हिल, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इवेंस ट्राइज एन ओ लेबर कॉलिन डेक्स्टर, कॉलिन डेक्स्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इंग्लिश क्राइम राइटर थे। इवांस ट्राइज ऑन ओ लेबल, ये एक क्राइम राइटर थे, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें 2 लेसन है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जीत काला साका वी टू आर ह्यूमन बींग्स बामा 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 फेस्टिना सुसाईराज, ये एक तमिल भारत की थी, इनको इन दोनों दोनों लेखिका हैं, दोनों को इनको बचपन में किस तरह की समस्याएं हुई, कितनी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ये दलित जात से आती थी, तो वहाँ पे इनको कितना शोषण हुआ, ये सारी चीज़ों से जब ये गुजरती हैं तो ये विद्रोही प्रवृत्ति की हो जाती हैं, तो यहाँ पे उनके बचपन की कुछ यादें हैं जो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा। दोनों दलित हैं, ये भारत की हैं। बामा जो पेन नेम बामा से फेस्टिना सोसाईराज इनका नाम था, बामा के पेन नेम से लिखती थी। ये पूरा आपका लिटरेचर प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री से है।
पार्ट सेकेंड अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर सेक्शन ए बी सी में डिवाइड कर दिया गया है। सेक्शन ए पूरी तरीके से रीडिंग है। रीडिंग का मतलब आपकी एग्जाम में एक पैसेज आएगा, उससे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनका आंसर आपको देना पड़ेगा। वन लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय थ्री शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चंस एंड टू बाके क्वेश्चंस, जो बाके वाली आएगी, मीनिंग दी रहेगी। ये टोटल आपका रीडिंग्स होगा, ये 12 नंबर का आएगा, 12 मार्क्स का। सेक्शन बी की बात करें तो राइटिंग होगी, जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग और नोट मेकिंग 11th में आपने सीखा था, एसे और आर्टिकल लिखना, लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, ये सारी चीज़ें आएंगी। आपको पर्सनल लेटर नहीं लिखना होगा। इसके अलावा आगे देखते हैं, अब प्योर ग्रामर सेक्शन सी में आपको ग्रामर मिलेगा। सबसे पहला टॉपिक होगा नरेशन, इसके बाद सिंथेसिस, नरेशन पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, सेंटेक्स पढ़ना है। ये टोटल आपका कोर ग्रामर, चार टॉपिक आपका 8 नंबर का ग्रामर होगा। इसके बाद आपकी वर्ड पावर होगी, आरडीएमएम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स, इसके अलावा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो टोटल यही आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले आपका है फ्लेमिंगो बुक, जिसमें आपको प्रोज 8 लेसन, पोइट्री 6 लेसन, 6 पोइट्री पढ़नी पड़ेंगी, और आपके सप्लीमेंट्री आपको 8 लेसन है, फिर आपका टोटल आ जाता है ग्रामर। तो इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस है। आगे हम लोग जल्दी ही, पहले हम लिटरेचर से शुरू करेंगे, क्योंकि ग्रामर में हम लोगों ने 11th में काफ़ी चीज़ों को पढ़ा सीखा था। क्योंकि अब सिलेबस आपका न्यू है, लिटरेचर आपको शुरू करना है, तो अगला जो हमारा वीडियो जल्दी ही होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग भी कार्य अच्छे से कर नहीं पा रहे, काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और आप लोगों से गुजारिश है कि काफ़ी ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप बाहर निकलें, अपने घरों में रहें, बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, अपने हाथ को साबुन से धोते रहें, हैंड सैनिटाइज करें, और निश्चित रूप से सभी का, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग, सभी का ख्याल रखें। कुछ ज़रूरी दवाएं जो आपके आप डॉक्टर से बात करिए, जो ज़रूरी दवाएं घर में रखिए, और घर में रहिए, एकदम बहुत आवश्यकता पड़े तो घर से बाहर निकलिए, चीज़ें वास्तव में सामान्य है नहीं। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी स्टडी पर फोकस करें, घर में हैं उनके लिए टाइम अच्छा है, स्टडी कर सकते हैं, नई चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग अभी जो हमारे पास समय है इतना, उतने में कम से कम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोज़ के माध्यम से आपको एजुकेशन दे पाएँ, ये हमारे लिए और आप दोनों के लिए अच्छा होगा। थैंक यू।